everyone, my name is Purva. Welcome back to my channel. I hope everything is great on your end. And har baar ki tarah is baar bhi, I am back with another product review. And first of all, I would really like to thank everyone because humne apna 1000 subscribers ka milestone achieve kar liya hai. I know maine bahut baar ye cheez boli hai, but I'm so overwhelmed. Like जितनी बार वीडियो शूट करती हूँ इट जस्ट हैपन्स कि लाइक बिना बोले रहा ही नहीं जाता. बट थैंक्स टू ईच एंड एवरी पर्सन एंड आई एम जस्ट सो हैप्पी. तो बिना किसी देर के आई वुड रियली गेट इनटू द वीडियो ताकि बिना टाइम वेस्ट किए हम मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर सकें, बिकॉज आई नो हर एक का टाइम बहुत प्रीशियस है. और बिना ज़्यादा वक्त किए लेट्स हेड इनटू द वीडियो. तो आज का जो हमारा प्रोडक्ट है दैट इज सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज. ओके सो वन मोर थिंग बिफोर वी हेड इन कि आई हैव अ वेरी बैड हैबिट. मैं ये अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट के पैकेजेस भी संभाल के रखती हूँ बिकॉज लाइक एक दिन मैं अपने आपको कवर्ड दिखाऊंगी, उसमें सामान से ज़्यादा ही खाली डब्बे हैं. एंड लाइक बस पता नहीं यार लाइक व्हाट गंदी आदत है, बट आई नो कुछ कर नहीं सकते. सो ये मैं सोचना कि आई हैव नॉट रीयूज दिस प्रोडक्ट यार, ये रिव्यू लाइक वेग है या पेड है समथिंग कुछ. हाँ प्रोडक्ट ज़रूर पेड है, इट वॉज अ पेयर पैकेज, बट रिव्यू इज प्योरली माई ओपिनियन. तो मुझे काफ़ी टाइम पहले ये रिसीव हुआ था एंड इट एंड एलोवेरा जेल. तो इसकी पैकेजिंग पे मत जाना क्योंकि ये डब्बा ऐसे ही आया था मुझे. ये डब्बा पूरा ही कंटिन्यूस ऐसा ही था, लाइक आई गेस इसको ग्लू नहीं किया होगा प्रॉपर या आई मीन आई गेस भूल भाल गए जो भी है. तो ओके सो दिस इज फ्रॉम अ ब्रांड कॉल इनवुड ऑर्गेनिक. एक बहुत लाइक एमेच्योर ब्रांड है, मार्केट में अभी लॉन्च हो रहा है या बहुत बड़ी स्टेज पे. एंड दे हैव सेंट अनदर कार्ड ऑफ रिवोना नेचुरल्स लिबर्ट मेन एंड इनवुड ऑर्गेनिक्स. आई गेस ये तीनों एक ही विजिबल या इट्स विजिबल. सो आई गेस ये तीनों ब्रांड्स किसी एक ही कंपनी के एंड से हैं या कुछ ऐसा है, इनका ओनर सेम है. आई डोंट नो मच डिटेल्स और हमें उसमें जाना भी नहीं है बिकॉज हमारा मेन फोकस ये प्रोडक्ट है. सो इस टूटे हुए फटे हुए डब्बे को साइड में रखते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट द प्रोडक्ट. ओ आई गॉट वन मोर थिंग. तो ये जो पैकेज था इसके ऊपर ये क्लिप था जो कि इसके यू नो जिसकी ये नॉजल कोई प्रेस ना कर पाए. आई डोंट नो आज लाइक मेरे बाल बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, आई डोंट नो आई एम सॉरी. ओके सो दिस इज द बॉटल यू विल गेट एंड इट्स ऑफ 200 ml क्वान्टिटी. बहुत 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 अच्छी है एंड प्राइस भी बताते हैं, बट लेट्स चेक आउट द बॉटल. इसके ऊपर एक प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट फिल्म थी फॉर लाइक सेफ्टी लॉक जैसा होता है नॉर्मल पैकेजेस में. तो दिस इज द बॉटल यू विल गेट एंड इट इज दिस इज द सो दिस इज द एग्जैक्ट प्रोडक्ट दैट यू विल गेट. और सबसे अच्छी जो मुझे चीज़ लगी डैट इज दिस पम्प. तो ओके सो फर्स्ट हम इसका निकालते हैं क्योंकि मैं काफ़ी यूज़ भी कर चुकी हूँ इसको. एंड अनदर थिंग कि इसमें विटामिन ई है इसमें. सो विटामिन ई आपके एंड दिस इज यू नो मल्टीपर्पज प्रोडक्ट. आप इसको अपने स्किन पे भी यूज़ कर सकते हो, अपने हेयर पे भी. आपको कोई इरिटेशन है, इचिनेस है, कोई इंफ्लेमेशन है या कहीं पर भी कुछ कट वगैरह है तो आप उसको एलोवेरा जेल तो आई गेस एवरी वन इज़ अवेयर ऑफ कि क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं. एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड एज ग्रुप हर बंदे ने अपनी लाइफ में एलोवेरा जेल कभी ना कभी किसी ना किसी फॉर्म में यूज़ की ही होगी. तो मुझे ज़्यादा इसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि एलोवेरा जेल के क्या एडवांटेजेस हैं. बट या वाइटामिन ई का मैं थोड़ा लाइक ओवरव्यू दे सकती हूँ बिकॉज वाइटामिन ई इस प्रोडक्ट में इसलिए है क्योंकि उनकी भी सेम प्रॉपर्टीज है, कुछ सिमिलर है एलोवेरा जेल से. सो इट इज़ वेरी गुड अगर दो
similar items with similar benefits and properties, agar hum combine karte, so we can get a better result out of the whole lot. Okay, so I guess this is the thing. Okay, so talking about its main features of this product are, first, paraben free hai. Second, silicone free hai. Mineral oil nahi hai, that is a very good thing. And sulfate free hai, 100% vegan hai, and the bottle and the product is recyclable, and it's cruelty free. So that means isme silicone, paraben, sulfate, mineral oils nahi hai, because ye sab cheeze hamare face pe, skin pe, baalon mein bhi jayenge to pores ko block karte hai. ठीक है, यूजुअली आप नॉट अबाउट दिस प्रोडक्ट, यूजुअली कभी भी लाइफ में आपको प्रोडक्ट कोई भी परचेज करना, इवन इफ योर मेकअप और स्किन केयर, अवॉइड ऑप्टिंग फॉर अ प्रोडक्ट और एनी अदर थिंग जिसमें ये सारी चीज़ें हों, बिकॉज इट्स नॉट गुड एट ऑल. ठीक है जी, तो वी शुड ऑलवेज अवॉइड सच थिंग एंड गो फॉर अ नेचुरल एंड एन ऑर्गेनिक और यू नो हर्बल प्रोडक्ट्स जो कि आपको बेनिफिट दे, आपके काम आए, बट एट द सेम टाइम आपको हार्म ना करें आपकी बॉडी को या आपके स्किन को. सो ये तो एक जेनरिक ओवरव्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट. और ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज यहाँ पर आपको मिलेगा इनवुड ऑर्गेनिक्स का थोड़ा सा ओवरव्यू, एंड इसके यूजेस इन्होंने लिखे ही हैं कि आप कहाँ कहाँ इनको यूज़ कर सकते हो. कुछ 9 यूजेस हैं, बट आई विल रीड इट आउट. तो द फर्स्ट यूज इन्होंने बोला है कि मॉइस्चराइजर की तरह यूज़ हो सकता है. ठीक है, तो एलोवेरा जेल वी ऑल नो इज अ ग्रेट मॉइस्चराइजर. तो ये आपकी बॉडी को, आप किसी भी पार्ट पे आप लगाओगे, आपको बहुत हाइड्रेशन देगा. तो ड्राई स्किन जैसे विंटर्स में हो जाती है, कई नेचुरली ड्राई स्किन होती है, उनके लिए बहुत बहुत अच्छा चीज़ है. सेकेंड, इट कैन बी यूज एज अ स्क्रब. तो ये काफ़ी लोग यूज़ करते हैं. आई हैव लाइक आई हैव नॉट यूज एलोवेरा स्क्रब एवर इन माई लाइफ, क्योंकि यू नो मम्मी बोलते तो हैं, बट आई जस्ट इग्नोर इट. तो आप इसको शुगर के साथ मिक्स करके एक नेचुरल बॉडी स्क्रब बना सकते हो, विच आई गेस आई शुड ट्राई, क्योंकि अब आइडिया दिया है, तो यूज़ करके देखने में क्या है. एंड आई विल डू दिस फॉर श्योर, आई विल डू दिस. तो थर्ड पॉइंट है सनबर्न, या कई बार आप बहुत गर्म धूप में जाते हैं, सब अब समर से आप बाहर जाओगे, लू चल रही है, या यू नो रैशेज हो जाते हैं. मेरे को जो सेंसिटिव स्किन वाले होते हैं, दे आर मोर प्रोन टू दीज रैशेज एंड थिंग, तो उनके लिए दिस कैन बी यूज रैशेज को काम डाउन करने के लिए, बिकॉज एलोवेरा जेल में कूलिंग प्रॉपर्टीज होती है, बहुत सूदिंग होता है एलोवेरा जेल, तो आपको काफ़ी हेल्प करता है. ठीक है जी, एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि आप इसको अपने बालों पर भी यूज़ कर सकते हो. दैट वी आर गोइंग टू डू इट दिस राइट अवे इन दिस वीडियो आफ्टर वी कम्प्लीट द ओवरव्यू. मैं इसको भी लाइव यूज़ करूँगी, जितने भी पॉइंट्स में कवर कर पाई एंड पैक्स, सो स्टे ट्यून फॉर दैट. तो अब इन्होंने बोला है कि अगर आपको इसको अपने बालों में यूज़ करना है, तो आप इसको अपनी स्कैल्प पे लगाओ और थोड़ा ओवरनाइट रखो, एंड सुबह शैम्पू कर लो. और आप इसको स्ट्रेटनिंग या कर्ल करने से पहले भी यूज़ कर सकते हो, ताकि हेयर आपके जो हेयर स्टाइल आप बनाते हो या कुछ भी आप करते हो अपने बालों में, तो वो लॉन्ग टाइम तक रिटेन रहे. आई हैव यूज दिस. तो मैं लाइक आई नेवर डू समथिंग आई हैव नेवर डन टॉयज. मैंने दो बार ही अपने बालों को कुछ स्ट्रेट या कर्ल किया अपनी लाइफ में, एक बार कर्ल किया था, एक बार क्रिम किए थे. सो आई हैव यूज एलोवेरा जेल, नॉट दिस वन, आई हैड अनदर थिंग, या फिर आई डू हैव एलोवेरा प्लांट एट माई होम, तो मैं नेचुरल एलोवेरा भी एक्सट्रैक्ट करके आई यूज दिस एट दिस वेल. तो या इट होल्ड द मॉइस्चर इन योर हेयर, या फिर जितने भी आप हीटिंग टूल यूज करते हो, वो डैमेज से आपके बालों को ये प्रोटेक्ट करेगी, एंड इट्स अ गुड थिंग. अनदर थिंग कि हेयर स्प्रे या सेटिंग स्प्रे अगर आपके पास नहीं है तो बालों को सेट करने के लिए, बिकॉज अगेन मैं यूज़ नहीं करती हूँ सब चीज़ें, तो मेरे पास ये प्रोडक्ट्स नहीं होंगे, सेटिंग स्प्रे वगैरह कभी भी नहीं होगा. तो अब इट वॉज ऑन माई बर्थडे और समथिंग, तो अब अगर लोड पड़ी टू डू समथिंग टू सेट माई हेयर और मेकअप, तो मैंने एलोवेरा जेल ही यूज़ की थी, एंड लाइक नॉट फॉर लॉन्ग आवर्स, बट अराउंड फॉर एटलीस्ट फॉर 5 to 6 hours अच्छे से बाल ठीक रहे, उसके बाद थोड़ा ब्रूजन अप हो गए थे. बट इसके काफ़ी रीजंस हो सकते हैं. फर्स्ट पार्ट की जेल प्रॉपर नहीं लगी, क्योंकि मेरे बाल बहुत लंबे हैं, बहुत हैवी हैं, तो आई गेस तो मैं देख ही नहीं होंगे अभी तक. तो
तो यू नो काफी टाइम लगता है इतनी इतनी लेंथ में जेल लगाने में उसको कर्ल करने में इट्स अ इट्स अ मिस तो या सो इसीलिए आई डू अवॉइड सच थिंग्स बट अब लोड थी तो आई हैव यूज्ड दिस एंड मेरा काम चल गया था भाई सो दिस पॉइंट इज अ गुड थिंग ठीक है जी अगेन सन डैमेज को ये ट्रीट करता है इट कैन बी यूज एज अ सनस्क्रीन एज वेल और अगर आपको सनबर्न हो चुके हैं जैसे मैंने भी बताया था तो उसके लिए भी हेल्पफुल है तो जी नेक्स्ट है एज अ प्राइमर अगर आपके पास मेकअप करना है आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हो नॉट ओनली दिस कोई भी एलोवेरा जेल कोई भी ब्रांड इवन नेचुरल नेचुरल है अगर आपके पास प्लांट इट इज़ द बेस्ट थिंग आप उसे यूज़ करो तो अगर आपके पास वो अवेलेबल है तो वो करो नहीं तो मार्केट से ले सकते हो बिकॉज दैट इज़ अप टू यू कम्प्लीटली अप टू यू बट जेनरिकली आप कोई भी एलोवेरा जेल लो उसको आप सिमिलर तरीके से यूज़ कर सकते हो तो आई मास्क के लिए भी अच्छा है क्योंकि जैसे अब आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है काफ़ी हुआ तो हमारे स्लीप साइकिल्स या इवन ऑफिस भी है तो भी लाइक दिस पैंडमिक के बाद हमारा काफ़ी मेंटल स्ट्रेस हमारे रूटीन सब कुछ हिल गया एटलीस्ट मेरा तो हिल चुका है तो लाइक आई वॉज अ पर्सन जो 9 बजे तक सो जाती थी कभी भी बट लाइक अब काम की वजह से नहीं बस जस्ट यूँ ही रात को नींद नहीं आती एंड आई डोंट नो द रीज़न तो इवन आई एम फिगरिंग आउट दिस थिंग अगर कुछ आपके पास है ऐसे टिप्स तो भाई प्लीज़ कमेंट में बताना आई विल ट्राई टू यूज देम सो या हमें क्या करना है कि इट कैन बी यूज एज आई मस्क आई हैव इवन अप्लाइड इट लाइक फॉर 2 to 3 times मैंने भी स्टार्टिंग में यूज़ किए थे क्योंकि मेरे यहाँ पे अंडर आई में या आईलिड पे काफ़ी पफिनेस हो जाती है मैंने यू कैन सी अभी भी चीक्स पे है पफिनेस तो हो जाती है क्योंकि एक मैं पानी भी कम पीती हूँ ऊपर से सोती भी थोड़ा अजीब अजीब टाइप्स में तो इट हैपन्स तो आई एम यू नो ट्राइंग टू मेंटेन माय वाटर इनटेक बट या आई हैव यूज दिस तो इससे ये चीज़ हो रही थी कि या इससे ये चीज़ हो रही है कि जो भी हमारा पफिनेस है आईज के अराउंड इवन डार्क सर्कल है उसके लिए बहुत एंड इवन मैंने अपने मदर को भी बोला था एंड शी आल्सो यूज्ड इट तो काफ़ी टाइम पहले बट या उनको भी काफ़ी सूटिंग लगी बट अगेन नॉट दिस जेल क्योंकि ये अभी मैंने हार्डली 20-25 दिन हुए मुझे इसे यूज़ करते काफ़ी टाइम हो गया इसको रिसीव हुए एंड इट वॉज अ सिंपल प्रोडक्ट तो मैंने सोचा इसकी क्या ये अनबॉक्सिंग वीडियो बना लें सीधी वीडियो बना लेंगे सो या ठीक है जी एंड द लास्ट पॉइंट इज इट कैन बी यूज्ड एज एन एंटी एजिंग इट कैन बी यूज एज एन एंटी एजिंग ट्रीटमेंट अगर कुछ एल्डर्स हैं आपके मदर है ग्रैंड मदर है आपके फादर्स भी हैं इवन कोई भी बंदा है अगर वो एजिंग एंटर कर रहा है दैट मीन्स ही इज इन 30s और लेट 30s और अर्ली 40s तो दिस इज अ वेरी गुड टू गुड थिंग फॉर हिम ऑल ठीक है जी ये तो हो गई इस प्रोडक्ट के यूजेस अगेन आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो मैं इसे बार बार रिपीट कर रही हूँ इसीलिए कि प्लीज़ इस डाउट में मत रहना आई एम टॉकिंग पर्टिकुलरली अबाउट दिस प्रोडक्ट ओनली आप किसी भी प्रोडक्ट में इसे यूज़ कर सकते हो ठीक है जी तो टॉकिंग अबाउट द प्राइस एंड क्वांटिटी इट विल कॉस्ट यू 399 दैट इज 400 अबाउट और क्वांटिटी मिलेगी 200 ml एंड शेल्फ लाइफ है 3 years एंड अगेन इट्स अ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग इसकी मुंबई की है एंड या ओके सो कंपनी इज मार्केटेड थ्रू मुंबई एंड मैन्युफैक्चरिंग इसकी है हरियाणा में पंचकुला ओके तो या सो इसमें इसका पैकेजिंग में भी डिफरेंस है और बस या इस प्रोडक्ट के तो इतना ही था अब टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट सो इसकी सबसे बेस्ट थिंग है कि इसमें पंप ट्यूब है एंड ब्रिंग इट क्लोजर द होल सी दिस इज समथिंग यू विल गेट इट क्लियर इट्स एग्जैक्टली क्लियर ट्रांसपेरेंट कुछ भी नहीं है दैट इज़ अ मेन थिंग आई लव अबाउट द प्रोडक्ट तो कोई भी प्रोडक्ट आपको अपनी स्किन पे यूज करना है कभी भी नॉट जस्ट एनी अदर प्राइमर मॉइस्चराइजर या कुछ भी सिरम स्किन तो नेवर रब इट ऑन योर फेस क्योंकि फेस है यार गंदे बर्तन थोड़े थे जो स्क्रबर की तरह घिस दोगे फेस है तो
से थोड़ा आराम से प्यार से लाइक यू जस्ट हैव टू टैप इट सी तो जो आपके प्रॉब्लम एरियाज हैं जैसे मेरे कुछ एक्ने स्पॉट्स थे या कुछ ऐसा था तो जो रिमेनिंग प्रोडक्ट है वो आप अपने नेक पे या अपने हाथों पे लगा सकते हो बिकॉज नुकसान की चीज़ थोड़ी है ओके सो दिस इज़ तो यू नो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी ये चीज़ कि एक तो ये जेल में विटामिन ई है ठीक है एंड सेकेंडली क्लियर है क्योंकि यूजुअली आजकल तो लोग बहुत एजुकेट हो गए हैं उनको इस बात की इन्फॉर्मेशन है कि एलोवेरा नेचुरली क्लियर होता है जब आप पेड़ से भी उसको उसके प्लांट से धोते हो तो वो नेचुरली ट्रांसपेरेंट ही होता है ओके सो इसमें कोई स्टिकीनेस नहीं है थोड़ी सी है लाइक 10 to 15 seconds आपके फेस पे जब एब्जॉर्ब हो जाएगा तो बिल्कुल चिपचिप नहीं करेगा एंड इट विल बी ऑल गॉन तो अभी हमें 10 to 15 seconds नहीं हुए एंड जैसे ही थोड़ी चिपचिप कम करेगा अभी भी थोड़ा स्टिक कर रहा है आई वॉन्ट लाइक थोड़ा सा स्टिक करता है क्योंकि प्योर एलोवेरा जेल भी स्टिक करती ही है तो इसमें कुछ लाइक पॉइंट नहीं है कि खराब है ऐसा कुछ नहीं है इट्स ऑल गुड तो या कैसे ओके सो इट्स ऑल गॉन और अब हम इसको अपने वालों पर ट्राई करते हैं कि कैसे आप इसे अपने वालों पर यूज़ करने वाले हो ओके सो दिस आर माय हेयर एंड अभी आई नीड टू वॉश माय हेयर टुमारो और मे बी अ डे आफ्टर तो अभी मैं थोड़ी सी लगाऊंगी इस अपने वालों पर बिकॉज एंड उसके बाद मैनेज करना मुझे क्लोज आएगा सो अभी मैं इसको एज अ प्री शैम्पू मास्क वट एवर यू कैन से ऐसा कुछ करते हैं तो लेट्स सी कि हम जैसे टू पम्प्स क्योंकि बाल काफ़ी है अगर आपके पास छोटे हैं तो आप भी कम ले लो अच्छे से इसको थोड़ा सा बट यू जस्ट नीड टू सेक्शन योर हेयर एट फर्स्ट कि अभी अभी इतना टाइम नहीं है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इफ आई डू सो मैं इसको एक साइड पे ऐसे कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इसका एक्चुअल में करना है तो अभी मैं जैसे ऐसे ही लगा रही हूँ एंड पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट ऑन माय टिप्स सॉरी क्योंकि भाई यही है जो सबसे ज़्यादा यू नो ड्राई होते हैं ब्रिटल होते हैं स्प्रिटल्स भी नीचे से ही आते हैं सो यू नीड टू डू दिस प्लीज़ इस पर फोकस करना टाइम डिवोट करना डिपेंडिंग अपॉन योर हेयर अभी तो इट्स अ वीडियोस आई एम नॉट गोइंग मच इनटू डिटेल बट अगर आप चाहते हो मैं इसका पूरा एक प्रॉपर हेयर केयर रूटीन भी बना दूँगी एंड लेट मी नो इन कमेंट्स अगर आपको लगता है इट्स वर्थ एंड यू नीड इट तो फॉर श्योर आई विल डू इट तो ओके सो अब यू कैन इवन सी द डिफरेंस कि ये बाल थोड़े से शाइनियर है यू कैन सी द शाइन एंड इसमें कंपेरेटिवली शाइन कम है आई फील प्लस ये थोड़े से यू नो स्लीक हो गए हैं ज़्यादा लाइक फैल नहीं रहे हैं समथिंग आई डोंट नो हाउ शुड आई एक्सप्लेन लाइक ये थोड़े सिमट गए हैं एंड वेयर इज ऑन द अदर हैंड ये उतना नहीं है पर ठीक है अब लाइक आई फील इट्स रियली गुड तो अब मैं थोड़ी सी और लेती हूँ क्योंकि अब काम शुरू किया है तो पूरा कर ही लेती हूँ क्योंकि एंड क्योंकि मेरा इतना कोई लंबा चौड़ा हेयर केयर रूटीन नहीं होता बस इन फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रही हूँ ताकि पता चले इवन मुझे भी पता चले कि इट वर्क्स ऑन हेयर और नॉट अगर मुझे इसके ओपिनियन में बाद में कुछ भी चेंज लगा आई मेक अ न्यू वीडियो ठीक है अपडेट वीडियो कह सकते हैं मुझे काइंड ऑफ ताकि यू नो अगर आप देखोगे तो मैं इसी के साथ बाद में लिंक भी कर दूँगी नई वीडियो को ताकि आपको पता चल जाए कि एट फर्स्ट इसका कैसा वो था एंड अब इसका क्या हिसाब किताब है सर अब ये मैंने बालों पे काफ़ी हद तक कर ही लिया है तो एक्सक्यूज मी फॉर दिस ये मेरा बहुत गंदा सा स्टाइल है क्योंकि इवन आई ऑयल माई हेयर मैं ऐसे ही करती पता नहीं मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड अपने
मतलब टिप्स को मैं ऐसे ही रख करती हूँ सारे टिप्स को, ताकि जो भी प्रोडक्ट है हाथ में या फिंगर्स के गैप में रह गया तो प्रॉपरली अकोमोडेट हो जाए एंड कुछ फेस ना। सो आई गेस इट्स क्लियरली विजिबल कि बाल काफ़ी शाइनिंग हो गए हैं एंड या इवन मुझे तो लगा, बट मे भी शायद अभी अभी लगाया है तो बट आई डोंट नो इसका आउटकम कैसा आएगा। अगर कुछ नेगेटिव आएगा तो आई वांट इट विद दिस। सो या और आप इसको एज अ मॉइस्चराइजर भी यूज़ कर सकते हैं। अगेन जैसे मेरे हाथ में काफ़ी कुछ है तो आप इसको अपने बाजू पे अपनी पे कहीं पे भी आपको कोई चोट है या कुछ है आप उसको यूज़ कर सकते हो। मैंने इसको स्टार्ट किया था आई पुट इट ऑन माई एक्ने आई हैड एन एक्ने अ फ्यू वीक्स बैक एट लीस्ट 2 weeks बैक, तो मेरे में बहुत बड़ा पिंपल हो गया था एंड टैग इस निशान अभी भी है। ओके नहीं भी शो होगा क्योंकि मैंने उसे कवर किया पाई वीडियो में थोड़ा दिखाना था ऐसा कुछ। सो या तो अब मैंने क्या किया है कि मैंने उसे आई हैव कंसील्ड इट बट एक्चुअली यहाँ पर एक स्पॉट है ठीक है। तो इफ यू लाइक आर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टा और फेसबुक मे बी पर्सनली ऑन इंस्टा तो आपको पता होगा क्योंकि मैं रिसेंट फोटोज़ में वीडियोज़ में या स्टोरीज में मैंने लाइक मैं मतलब नहीं पुट ऑन करती सिर्फ वीडियो के टाइम करती हूँ वो भी जस्ट माइनर कंसीलर की जो स्पॉट्स हैं वो हाइड अप हो गए। तो अगर आपने देखा होगा एंड इफ यू आर फॉलोइंग मी तो आपको पता होगा कि आई डू हैव दिस लिटिल स्कार ओवर हियर। तो मैंने उस पिंपल के टाइम काफ़ी बड़ा लाइक मोटा वाला पिंपल होता है लाइक वो बहुत ज़्यादा पूरी बस ऐसे बहुत हैवी ज़्यादा हो तो आई अप्लाइड दिस जेल ऑन द पिंपल तो लाइक काफ़ी सही लगा मुझे पर्सनली मुझे अच्छा लगा। एक तो कूलिंग इफेक्ट है विटामिन ई है एंड बोनस थिंग ये थी कि जो पिंपल का स्कार है ना वो कंपैरेटिवली लाइट है जितना बड़ा पिंपल हुआ था उस हिसाब से तो काफ़ी लाइट है स्कार। बट या आई गेस इसी प्रोडक्ट की वजह से क्योंकि मैं और कुछ भी यूज़ नहीं करती अपने फेस पे जब मैं यूजली मैं कुछ नहीं करती मेरे कोई स्किन केयर नहीं है तो या बट आई एम प्लानिंग टू हैव फन आई शेयर करती हूँ अभी मैं उसी के प्रोडक्ट्स रिसर्च करती हूँ एंड या आई विल फॉर्म अ स्किन केयर रूटीन फॉर डे टाइम नाइट टाइम एंड अ वीकली थिंग ताकि आपको आइडिया हो जाए कि भाई मैं क्या क्या करती हूँ कब कब करती हूँ। बट करंटली कुछ भी नहीं है कुछ स्पेसिफिक नहीं है मेरा मतलब कुछ होगा तो देखेंगे। ओके एंड अगर आपको ये चीज़ कोई जेल परचेज करनी है तो आप इनको इनके इंस्टाग्राम पे भी बाय कर सकते हैं एंड यू कैन गेट इट फ्रॉम अमेजन एज वेल। तो एक बार फिर से आपको इसकी पैकेजिंग करके मुझे गलती आता था ये डब्बे ये डब्बा तो चलो लोग रखते हैं तो अमेजन की रखते हैं मेरे अलग शौक है ठीक है। मुझे भी कई बार काफ़ी खुद को हैरानी होती है कि भाई नहीं इतना तो हो गया बट ठीक है चलो। तो ये सेम ही है फ्रंट पैकेजिंग बिल्कुल जो बॉटल जैसी वो है। इस साइड इनके इंग्रेडिएंट्स हैं कॉशंस हैं और इंग्रेडिएंट्स में भी रीड आउट करती हूँ एंड जो ये है ये साइड इस पर सेम यही कैसे यूज़ करना है और ब्रांड के बारे में बोल रहा हूँ एंड बैक साइड फ्रंट में दोनों सेम है। यहाँ पर भी इसकी ब्रांडिंग है इनवुड की एंड नीचे इनकी कॉस्ट शेल्फ लाइफ एंड एवरीथिंग डिफरेंट। तो इसकी शेल्फ लाइफ 3 years है विच इज़ अ गुड थिंग क्योंकि यूजुअली स्किन केयर प्रोडक्ट्स की मैंने देखी है 2 years ही होती है बहुत लाइक 3 भी होती है मैं तो नहीं बोलूँगी बट हाँ मोस्टली 2 भी होती है। तो या दिस वॉज एवरीथिंग। सो या मैं इनकी इंग्रेडिएंट्स पढ़ रही थी इसमें 99% एलोवेरा जूस है जो कि ब्रांड क्लेम करता है राइट मैंने चेक भी किया था ठीक है। बाकी एक्वा है ग्लिसरिन है एंड हायोंटिन है विटामिन ई है फ्रेशनेस है तो चलो बेसिक्स है। सो या दैट्स इट एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो एंड दिस प्रोडक्ट। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसा लगा लाइक व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस और जो भी है जैसा भी है प्लीज़ पिंग मी एंड कभी भी आपको कुछ लगे ओके जस्ट अपडेट कि आई
can just see कि ये बालों को ज़्यादा चिप चिप सा निकल रहा है क्योंकि मैं सब एक ही बाल properly खुल रहा है so this is a good thing क्योंकि मैं usually बालों में mask या gel वगैरह नहीं लगाती this is the main reason कि भाई वो चिप चिप से हो जाते हैं बाल और जब तक head wash ना करो वो ऐसे गंदे से हो जाते हैं ना like it और ये काफ़ी जल्दी dry भी हो चुकी है अभी बातों में ये सब So this was a detailed product review of this thing, this aloe vera gel along with its uses, its price, quantity, everything. So do let me know in the comment section आपके क्या views हैं, how you liking it और अगर आपको purchase करनी है कुछ भी issue आता है इसके regarding या किसी product regarding, please मुझे कहीं भी ping कर देना, Facebook, Instagram और comment section तो हमेशा ही open है. So there are no hard rules कि कब करना है कहाँ करना है ऐसा कुछ नहीं है like it's a common channel हमारा सबका है because we are family और जिसका जो दिल करता है भाई comments करो जो share करना है आपको कुछ और discuss करना है किसी और product का review चाहिए या particular कुछ चाहिए कि यार ये चीज़ बता कैसी है ये है तो please मुझे comment कर सकते हो कभी भी pin कर सकते हो and any issue कहीं पर भी करो यार मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आपको कुछ स्पेसिफिक इशू है या कोई कंसर्न है ड्रैगन फुलफिल और ये मेरे बाल ऐसे ही मुझे तंग करते रहेंगे जैसे ये गया है और ये आ गया है इट्स अ कॉमन थिंग लाइक एवरी गर्ल कैन रिलेट सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अब मैं चलती हूँ आप भी प्लीज़ अपना ध्यान रखना एंड ड्रिंक वाटर रेगुलरली प्लीज़ क्योंकि आजकल मैं इस मिशन में जी रही हूँ बट आई नो कि मैं इसे फेल मैं मतलब पूरी तरह से फेल हूँ मैं बिल्कुल भी पानी नहीं पीती हूँ हार्डली मैं दिन में 2 या 3 ग्लास पानी पीती हूँ I know it's very bad, पर मैं hardly 2 या 3 ग्लास ही पीती हूँ वो भी घर वाले कभी बॉटल रखते हैं धक्के से पिला दें तो वो पिला दें वरना मैं भूल जाती हूँ आई गेस हम सब भूलते हैं पानी पीना कॉमन थिंग तो अब मैं चलती हूँ और इस क्लिप के साथ मैंने काफ़ी खेल लिया है फिलहाल तो अब मैं चलती हूँ एंड मीट इन द नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए प्लीज़ अपना